नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहू। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। जैसे कि पता, हमारा जो चैनल है कुशेश्वर स्थान में नंबर वन पे चैनल है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग कुशेश्वर स्थान प्रखंड के नारायणपुर गांव में है, वार्ड नंबर 8 में है। जो बच्चे का बदहाली हम दिखाते हैं, स्कूल का बदहाली, आप कि इतनी कड़क धूप में, अभी करीबन 12 बज रहा है, जो धूप है बहुत कड़क धूप है, बच्चे लोग उनको देख रहे हैं, एक छपरी जैसे बनाया हुआ, उस पर भी कोई तिरपाल नहीं, कोई ऊपर से कोई भी साधन नहीं, बस ये लोग धूप में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। इसका समाधान जो है ग्रामीण लोगों के द्वारा निकाला भी जा रहा है और नहीं भी हो पाता। कुछ बात ऐसी है जो हम आपको बताएंगे। आप देख रहे जो इस वक्त जो मैडम लोग भी है, ये लोग इन लोग से भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है बच्चे लोग, जितना भी बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग छत के, एक छत का नहीं, इतना शिक्षा विकास हो रहा है, सब कुछ विकास हो रहा है, पर बिहार इतना नीचे दबा हुआ है कि शिक्षा से लेके विकास के सब मुद्दा यहाँ पे खड़ी होता है। आपको बताते जा रहा हूँ कि देख रहे कि जो धूप में, इतने कड़क धूप में विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पे कोई चीज़ का समाधान नहीं हो पा रहा है कि एक छत के नीचे पढ़ाई कर सके। और देख रहे यहाँ पे दो टीचर है, दो मैडम है जो पढ़ाती है स्टूडेंट लोगों, विद्यार्थी लोगों, छात्र एवं छात्राएं को। तो इन लोग से भी हम बात करेंगे कि क्या हालत रही इस स्कूल का, जो स्कूल नहीं बन पाया है और एक छपड़ी टाइप में बनाया हुआ है, जो भी मीटर आता है वो हम आपसे बात करते हैं, मैडम लोग से भी बात करते हैं, यहाँ पे स्कूल है या ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, क्या मीटर, सब हम बात करेंगे मैडम से ही। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए मैसोच से सुरेश चौपाल एवं आयुष कुमार, कोराही से महानंद पुदार ने कुछ रुपए डोनेट किए हैं। अगर आप भी हमारी सोच न्यूज नेटवर्क को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं तो आप अपने इच्छानुसार हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, पेटीएम और फोनपे नंबर वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप अपने इच्छानुसार डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। मैडम जी अपना नाम बताइएगा। स्थिति देखिए, नाम बताएं क्या, हम तो बुलाए हैं नहीं, इसलिए हम कैमरा पे नहीं रहेंगे सबसे पहली बात। अच्छा, आप जो बच्चे को धूप में पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे धूप में, पूछिए बच्चे लोग से क्यों पढ़ा रहे। अच्छा, ग्रामीण से पूछिए इस बात को, हम नहीं बताएं। आप बताइए तो सही, पहले ग्रामीण से पूछिए, वही जो बुलाए वही उनका जवाब देंगे बस। इसके बाद हमारा जो है, हम काम कर रहे हैं, दिए हैं, हमका रिपोर्ट लिख करके दिए हैं सभी जगह पदाधिकारी को। तो लोग क्या एक्शन लेते हैं कि नहीं? एक्शन लेना उनका काम है, तो हम नहीं कह सकते हैं लेते, अभी तक तो मेरे पास रिपोर्ट ऐसा नहीं है, जो आया उसके आधार पे हम कर रहे हैं काम। आप जो धूप में पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग, उनको अगर किसी को बीमारी हो जाए कुछ भी, ग्रामीण से पूछिए इस बात को, ग्रामीण से पूछिए। अपना नाम बताइएगा। संतोष कुमार यादव। अच्छा, यहाँ जो आप लोग, मैडम भी अभी बता, जो प्रिंसिपल मैडम है वो भी बता रही है कि बच्चे लोग जो है धूप में पढ़ रहा है और इसको डायरेक्ट जिम्मेदार है जो ग्रामीण को दे रहे हैं, तो ऐसा क्या रीजन है उनको धूप में ही पढ़ना पड़ रहा है, जो बरसात हो तो बरसात में ही पढ़ना पड़ेगा? यहाँ सरकार एक्टिव नहीं है और यहाँ का पदाधिकारी इस पर सही एक्शन नहीं ले रहा है, इसीलिए इस ये एक्शन किस चीज़ पे लेगा बताइए ना। एक्शन इस चीज़ पे लेगा, यहाँ पे विद्यालय पहले बना, एक बार सीओ वीडियो का आदेश पर ही बना, उसके बाद टूट गया, अब इस पे छपरी भी देना मुश्किल हो रहा है। इस चीज़ पे तो वही लोग देखेंगे ना, पदाधिकारी लोग ही देखेंगे जी इस पे क्या करना है। अब ग्रामीण इस पे विद्यालय पे जा के इस पे छपरी चढ़ाते रहेगा तो ग्रामीण ही स्कूल चलाएगा, स्कूल बनाएगा, तो फिर अधिकारी शिक्षा विभाग किस लिए है? नहीं तो यहाँ बन क्यों नहीं रहा, वो रीजन बताइए ना। बन नहीं रहा है, यहाँ बनने में डिस्टर्ब हो रहा है, किसी के जमीन के आगे है, किसी के घर के आगे है। अब सरकार ये सोच के तो पहले जमीन नहीं दिया इस विद्यालय में, जो किसी के घर के आगे सरकारी जमीन है तो हम विद्यालय में ना दें, किसी के घर के आगे है तो सरकार का जमीन भी उसका हो जाए, ये सोच के तो सरकार अपना जमीन नहीं रखती है ना। अभी मान लीजिए अभी कुछ तीसरा आदमी का यहाँ जमीन होता और दो तरफ आपका जमीन होता तो आप इसको थोड़ी ले लेते, ये तो उस आदमी का भी उतना ही हक होता ना। अब बिहार सरकार का जमीन है तो इस पर बिहार सरकार का उतना ही हक होना चाहिए, तो वो चाहे अगर यहाँ विद्यालय बनाना तो बन सकता है, नहीं चाहे तो नहीं बन सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि बच्चे सब दिन ऐसे ही पढ़ेंगे? तो बच्चे सरकार आप लोगों का ही बच्चे हो सकते हैं, सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा तो हम लोग बच्चों को लेकर धरना पर बैठेंगे, ब्लॉक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, शिक्षा विभाग तक जाएंगे, सारे बच्चे इसी स्थिति में चले जाएंगे। धूप में बैठने से अच्छा कल को कोई भी बच्चा बीमार पड़ जाएगा, कोई मर जाएगा तो उसका जवाबदेही सरकार लेगा, नहीं लेगा। इसीलिए इस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए, या तो स्कूल अगर यहाँ बनता है तो यहाँ बने, नहीं तो सरकार इसका व्यवस्था करके दे कि इसको 10 साल 20 साल पहले इसको विद्यालय के भवन के नाम से कागज क्यों दिया गया अगर यहाँ जमीन नहीं है तो। आपको क्या लगता है कि बच्चे लोग उनको इतना धूप में, कड़ी धूप में पढ़ना पड़ता है, उसके बाद कुछ दिन एक महीना बाद ही पूरा गर्मी आ जाएगी, फिर भी उन लोगों को इसी हालत पर पढ़ना पड़ेगा, क्या रीज़न है जो यहाँ पे छत का व्यवस्था नहीं हो पाता है विद्यार्थी लोगों के लिए?
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बच्चे लोग उनका हालत है दिन पे दिन, अभी यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी और उसके बाद धूप बढ़ रही है, उसके साथ साथ बारिश का भी सीजन आने वाली है, और फिर भी बच्चे लोगों को कोई भी उत्तम व्यवस्था नहीं किया जा रहा है कि बच्चे लोग ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। हम अभी शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, जो विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ेंगे वो किस हालत में पढ़ेंगे, ना यहाँ पे शौचालय का व्यवस्था है, ना सुचारू रूप से कोई स्वच्छ पानी का व्यवस्था है। अगर विद्यार्थी लोगों का गर्मी का टाइम में अगर प्यास लगता है तो लोग कहाँ से पानी पियेंगे, कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उसके बाद जो भी यहाँ के प्रमुख हो या उप प्रमुख हो या प्रखंड अधिकारी हो या कुछ भी हो, वो लोग बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि विद्यार्थी लोगों को आखिर दिक्कत क्या है। सिर्फ उन लोगों को अपना पॉकेट जाम करना रहता है, और जो भी सरकार के अंदर काम करते हैं वो लोग कान में रुई डाल के सो रहे हैं, पर बच्चे लोगों को यहाँ पे कोई भी देखने लायक नहीं है।